जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी YouTube फैमिली? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, आज है हमारे अभिराज बाबू का बर्थडे, तो यहाँ पर हमारी अतर्रा से भाभी और बहुएं सभी लोग आ गई हैं, तो सबको पहले नाश्ता करवा रहे हैं, जो ही प्रसाद वाले लड्डू हैं सबको खिला रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पर यानी कीर्तन भी हुए हैं और सोहर भी हुए हैं। सोहर का ब्लॉक ना फिर कभी आप लोगों को सोहर सुनाएंगे कि हमारी भाभी लोग और बहुएं बहुत सुंदर सुंदर सोहर भी गाई हैं, माता रानी के भजन भी गाई हैं, और सभी लोग रेडी होकर के दर्रा से आई थी। हम रानी भी जा रहे हैं, दोनों लोग पर रेडी होते हैं, और बहुएं बोल रहे हैं कि बुआ जाइए, रेडी होइए, आप लोगों को टाइम लगेगा। हमने कहा बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और ये है देखिए, प्राची की छोटी वाली भाभी, छोटी वाली बाबू को लेकर के बैठी हुई है, बाहर कभी कोई नहीं, भाभी और बहुएं सब लोग हैं। तो आप लोग भी अभिराज बाबू को खूब आशीर्वाद दीजिएगा, और चलिए आगे तैयार। शाम को 6:30 बज रहे हैं और हम सब लोग रेडी हो रहे हैं, बर्थडे बॉय भी रेडी हो रहा है और हमारी सोनपुरी भी रेडी हो रही है, इधर हमारी बहन रानी मैडम भी रेडी हो रही हैं। देखिए जूड़ा उड़ा इनका लग गया है, वाह विश्व सुंदरी दिख रही है, विश्व सुंदरी गाय जी, चूड़ा उड़ा सब लेकर के आई थी, देखिए हम ही नहीं ले पाए हैं, जल्दीबाजी में चूड़ा भूल करके चले आए। ए देखो हम भी चूड़ा पहने हैं, थोड़ी बहुत तो कुछ पहने ही हैं। अभी सोनपरी रेडी होने वाली है, देखो क्या पहनोगे, अच्छा अच्छा ड्रेस। हमारी पूनम भाभी पहले से ही रेडी होकर के आई है, रानी तो लाजवाब है। काफी लेट आए हैं आप, आपकी सब कितने समय से लोग इंतजार कर रहे हैं, सराह जाए कितनी समय से सब इंतजार पे बैठी हुई हैं कि कब आप आए। आपको तो सुबह से आना चाहिए था, बीटू बताओ सुबह से इंतजार कर रहे थे, देखो बीटू कौन आ गया, देखिए आते ही बिचारी स्लीपर वगैरह सब देने लगी। अरे वाह बहुत अच्छा, बर्थडे बॉय कहाँ? ए सुनो जानवी कहाँ जा रही हो, किसका बर्थडे बोलो, बच्चे कितना खुश है, केक देखते ही ना बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। किसको किसको केक खाना है, क्यों सब ज्यादा मौसी को केक खाना है। नीरज तुम रेडी हो, बस केक कटने वाला है। हेलो गाइज नहीं करोगे, हेलो गाइज, मोर आया और गया। गाइज ये आया हुआ है नीरज पछुआ धाम से, हमारी भाभी जी नहीं आई है। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, बर्थडे बॉय भी रेडी हो गए हैं और हमारे तीसरे नंबर वाले भैया आ रहे हैं बाबू को आशीर्वाद देने के लिए। बर्थडे बॉय रेडी हो गया, हेलो हेलो, हेलो गाइस, क्यों क्यों परेशान हो रहे हो, चुप करो आप, वो आ गए, गीतांजलि आ गई, गीतांजलि आ गई, जल्दी भाई सब केक काटो, सर में नहीं लगाना, काट हो गया, हो गया, हमारी भाभी
मेरी आई है। आज हम बहुत खुश हैं, अपनी बेटी को बर्थडे मना रहे हैं। बर्थडे बॉय की मम्मी रेडी है, कितनी प्यारी लग रही है। अरे भाई उसकी लंबाई है कितना, उसकी लंबाई काफी है। बर्थडे बॉय की बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी सब कहाँ है? एक एक रूप कपड़े हुए, सबको बुलाइए। नहीं नहीं अभी नहीं। बर्थडे बॉय हेलो, देखो कैसे खेल रहा है आराम से मस्ती से। गाइस यहाँ पर भैया लोग सब लोग आ गए हैं। बस कितना बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं। तो यार बैठे ही रहोगे, सब लोग बाहर बुला रहे हैं। ये कितना क्या कर रहे हो आप लोग, रेडी सेडी अभी नहीं हुए हो क्या? चलो बाहर निकलो। इधर फोटो सेशन चल रहा है, भाइयों भाइयों का मिलन हो रहा है। अरे वाह, बर्थडे बॉय तो बाबा जी को अपने पा गए। जाइए भैया, लाओ ना सोन परी इनको सबको। वो कहाँ गए बोलू मटोलू? वो चला गया। कहाँ? रो रहा था मम्मी की तरफ से। ले लीजिए। परी भैया का केक कटने जा रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे टीका चंदा लगा ली। भाभी सोन परी देखो, बड़ी मम्मी बड़े पापा जाए। बहुत शर्माती है भाई। बैठ जा रहे हैं बड़े मम्मी बड़े पापा। अब दादी जा रही हैं, बर्थडे बॉय की दादी जी जा रही हैं। सब लोग जाइए, बर्थडे बॉय को आशीर्वाद दीजिए। गाइस ये है बर्थडे बॉय के डैडी। अरे ना आप नहीं जा रहे हो क्या? जो केक कट रहा क्यों?
ये आपके जो बुला सभी लोग ना बारी बारी से आशीर्वाद दे रहे हैं और यहाँ पर सभी भाभियाँ जा रही हैं आशीर्वाद देने के लिए। गाइस आप लोग भी छोटे बाबू को आशीर्वाद दीजिएगा। जब लंबा परिवार होता है ना तो काफ़ी लंबा ब्लॉग भी बन गया था, तो हमने आधा ही ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है और कल आप लोगों के साथ पूरा ब्लॉग शेयर करेंगे कि बर्थडे में क्या क्या हुआ है और किन किन लोगों ने सबने इतनी मस्ती किया है और सभी लोग कैसे झूमे हैं। गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। छोटे बाबू को आशीर्वाद दीजिएगा और इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही अपने बुआ को दीदी को प्यार देते रहिए। और हाँ, एक खुशी की बात और है लेकिन अगले ब्लॉग में आप लोगों को बताएंगे कि ऐसी कौन सी खुशी की बात है। जय माता दी।